भाजपा में टिकट को लेकर महासंग्राम मचा, भतीजे सहित दो ने की बगावत। भाजपा से बागी शानू गुप्ता व निशी सोनी कर सकती हैं नामांकन। निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता को टिकट देने के बाद राजनीति में नया मोड़ आ गया। चाचा नरेंद्र गुप्ता को टिकट मिला तो भतीजे शानू गुप्ता ने बगावत कर दी। चाचा भतीजे की लड़ाई अब सार्वजनिक रूप से नाक पर आ गई। शानू गुप्ता ने देर रात तक अपने समर्थकों के साथ बैठकर मंथन किया और निर्दलीय मैदान में कूदने का मन बना लिया। सूत्रों की माने तो शानू को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह मानने को नहीं है तैयार। शानू गुप्ता ने कहा कि वह पिछले चुनाव में वर्ष 2017 में चाचा नरेंद्र गुप्ता के साथ पूरी ईमानदारी से अपने समर्थकों के साथ उनका सहयोग किए थे और इस बार उन्होंने भी भाजपा से दावेदारी की थी, लेकिन आज जब उनका टिकट कट गया तो वह भड़क गए। चाचा नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने हमारे 5 साल के विकास कार्य को देखते हुए पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि नरेंद्र गुप्ता 2017 में समाजवादी पार्टी से चुनकर नगर पालिका करवी अध्यक्ष बने थे और बाद में राजनीतिक दबाव के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। अब देखना ये है कि चाचा नरेंद्र व भतीजे शानू की राजनीतिक लड़ाई कितनी आगे तक जाती है। पहले आप सपा में थे तो अब किस तरह से क्या प्लान करेंगे? चैलेंज सिर्फ नगर के विकास का है और जो पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में जो रूपरेखा मैंने बनाई थी, लेकिन कोविड की वजह से 2.5 वर्ष जो काम नहीं कर पाया और बहुत सारे कामों की प्लानिंग करी वो नहीं हो पाए और नगर को बहुत ही सुंदर बनाने की जो प्लानिंग रची गई थी उसको पूर्ण करने का पूरा उद्देश्य है। और निश्चित रूप से शहर के चौराहे अच्छे बने, शहर की गलियाँ अच्छी हों, नालियों में पटावदार नालियाँ हों, ये सब चीज़ें प्लान में हैं। और नहर वो जो हमारे नगर में जो सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है, एक भी नहीं है, उसको भी प्राथमिकता के आधार पर इस पंचवर्षीय योजना में निश्चित रूप से कराने का काम। तो जैसे इस बार समाजवादी पार्टी से जागेश्वर यादव आपके सामने हैं, तो किसे अपने मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? आप भी पहले सपा में रहे हैं। देखिए, प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, ये आप भी जानते हो। और एक चुनाव जिनकी आप बात कर रहे हैं तो हम और वो निर्दलीय लड़ भी चुके हैं, तो उस समय भी मुझे जो वोट मिला था उससे आधा वोट उन्हें मिला था। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज नगर का एक एक व्यक्ति उनके साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। किसी वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ, तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।